नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। पश्चिम वर्धमान के आसनसोल संसदीय क्षेत्र स्थित जामुरिया स्थित मीघा एरोड्रम में शनिवार को भाजपा की सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बैसाख महीने के तीसरे दिन आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में काल बैसाखी का पहला आयोजन हुआ। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पश्चिम वर्धमान जिले के चुनावी रण में अंतिम प्रहार करने आ रही हैं। नड्डा की सभा से लौट रहा पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 7 घायल। पश्चिम वर्धमान के आसनसोल संसदीय क्षेत्र स्थित जामुरिया स्थित मीघा एरोड्रम में शनिवार को भाजपा की सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना पर पिछली दो बैठकों में बाकी मुख्यमंत्री आए लेकिन दीदी नहीं आई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में बाकी मुख्यमंत्री आए लेकिन दीदी नहीं आई। माँ गंगा की सफाई के लिए देश में इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ लेकिन दीदी उससे संबंधित बैठक में भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो सरकारें रहीं उनके कुशासन से आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग नौकरी के लिए आते थे आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज पहुंचा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अपने अहंकार में दीदी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई हैं, लेकिन दीदी कोई न कोई कारण बताकर इन बैठकों में नहीं आती। उन्होंने कहा कि बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं डबल इंजन की सरकार चाहिए। बंगाल की बीजेपी सरकार आपका लाभ कराने वाली हर उस योजना को लागू करेगी जिन्हें दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराने वाले कानून बनाए तो दीदी विरोध में उतर आई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए तो दीदी ने इससे भी किसानों को वंचित रखा। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो सरकारें रहीं उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में लंबे समय से भारत का औद्योगिक केंद्र बनने की क्षमता है। साइकिल से लेकर रेल तक, कागज से लेकर स्टील तक, एल्युमिनियम से लेकर कांच तक, इन कारखानों में काम करने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि चार दौर के मतदान में टीएमसी खंड खंड हो गई, बाकी चार दौर का मतदान दीदी भाइयों का पता साफ। पांचवें चरण के मतदान में भी कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए भारी संख्या में मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री आज दोपहर ठीक 12 बजे बैठक में आने वाले थे, उससे बहुत पहले जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मैदान में इकट्ठा होने लगे। प्रधानमंत्री सुबह 11:30 बजे दिल्ली से विशेष उड़ान से अंडाल हवाई अड्डे पर उतरे। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजने से सिर्फ 5 मिनट पहले बैठक स्थल से 200 फीट दूर अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे। 10 मिनट के भीतर जब प्रधानमंत्री ने मन संभाला तो हजारों पुरुषों और महिलाओं ने अपने मोबाइल फोन और अलूध्वनि और शंख की आवाज़ पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री अपने भाषण की शुरुआत से ही आक्रमण मूड में थे। अपना वोट खुद दें, दूसरों को वोट देने के लिए कहें, दीदी ओ दीदी को अंदाज से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2 मई से आधा महीना बचा है और आधे वोट बचे हैं। कोयले को धोकर आप साफ नहीं हो सकते। इस बार हमें एक वास्तविक बदलाव करना होगा और एक स्वर्णिम बंगाल का निर्माण करना होगा। जनसभा मंच पर आसनसोल के सांसद बाबू सुप्रियो, वर्धमान दुर्गापुर के सांसद एसएस अहुवालिया, बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह, बांकुरा के सांसद सुभाष सरकार, पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय महतो, आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी अग्नि मित्रा पाल, पांडेश्वर के प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी, आसनसोल उत्तर के कृष्णेंदु मुखर्जी, जामुरिया के तापस राय, कुलटी के अजय पोदार, बारबनी के अरजीत राय, रानीगंज के दुर्गापुर पूर्व के दीप्तांशु चौधरी, दुर्गापुर पश्चिम के लखन घोरोई मौजूद थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 एट दुर्गापुर एंड फॉर मोर डिटेल्स
प्लीज कॉन्टैक्ट 9434822। पुरुलिया जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घाघरबुड़ी गांव में शुक्रवार को आपसी विवाद के कारण एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का सिर काटकर एक कुएं में फेंक दिया। खबर मिलते ही पुलिस ने गांव में जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गांव में भारी उत्तेजना व्याप्त है। स्थानीय घाघरबुड़ी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को भवतारण महतो नामक एक व्यक्ति गांव के रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक दुबराज महतो नामक एक व्यक्ति ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर कई प्रहार किया। घटना को देखकर महिलाएं और बच्चे भाग खड़े हुए। इसी बीच दुबराज पुनः आया और उसका सर काट कर कुएं में फेंक आया, जबकि उसके शरीर को वहीं छोड़ दिया। बाद में उसने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया। हालांकि ग्रामीणों ने झगड़े का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। खबर पाकर पहुंची मुफस्सिल पुलिस ने आरोपी को घर का छप्पर हटाकर अंदर जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर ग्रामीणों ने गिरफ्तार अभियुक्त को अपने हाथों में सौंपे जाने की मांग पर पुलिस गाड़ी को रोककर काफी तोड़फोड़ की। घटना को लेकर काफी उत्तेजना फैल गई है। गांव में भारी संख्या में पुलिस वाहिनी, रैफ और दमकल विभाग के लोग पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित किया। बैसाख महीने के तीसरे दिन आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में काल बैसाखी का पहला आयोजन हुआ। तूफान शनिवार शाम 4:30 के बाद शुरू हुआ। आसनसोल शहर में जीटी रोड वास्तव में तूफान से बह गया था। तूफान से कई बिजली के खंभे, पेड़ और सिग्नल पोस्ट उड़ गए। परिणाम स्वरूप तूफान के बाद आसनसोल शहर सहित औद्योगिक क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति काट दी गई। तूफान के दौरान आसनसोल में BNR पुल पर एक पेड़ गिर गया। जीटी रोड पर यातायात को समय के लिए रोक दिया गया। आसनसोल में DRM रोड पर पेड़ भी गिर गए। पश्चिम वर्धमान जिला प्रशासन के आपदा प्रबंधन समूह के प्रमुख तमुजीत चक्रवर्ती ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में तूफान ने पेड़ और पोस्ट गिर गए। खबर के साथ आवश्यक कार्रवाई की गई है। आसनसोल पूर्व निगम के मुख्य अभियंता सुकोमल मंडल ने कहा कि पूर्व क्षेत्र में कई पेड़ गिर गए हैं, लोगों का शोषण हुआ है। राज्य विद्युत वितरण निशान के आसनसोल डिवीजन के अनुसार आसनसोल शहर सहित औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली के खंभे गिर गए हैं, इसलिए बिजली आपूर्ति में कटौती की गई है, काम शुरू हो गया है। दूसरी ओर काल बैसाखी में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोग मारे गए, कुल मिलाकर 6 लोग घायल हो गए। पता चला है कि तूफान के दौरान घर के चारों ओर की दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह घटना सलम नंबर 8 राधानगर रोड, हीरापुर पुलिस स्टेशन, बर्नपुर के रेल के खटार इलाके में शाम 5:00 के बाद हुई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय राजू कुमार साव के रूप में हुई। पता चला है कि राजू कुमार साव घर की परिधि में अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे, जब वह अचानक तूफान के कारण घर के रास्ते पर थे। उस समय एक आम का पेड़ टूटकर उनके घर की दीवार पर गिर गया। वह दीवार राजू पर गिर गई। परिवार के लोग और पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे और उसे बचाया और आसनसोल जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर कुलटी थाने के गंगुटिया में जमकर बारिश हुई। क्षेत्र का निवासी प्रबोध गरई उस समय घर से बाहर था, अचानक बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई, वह बेहोश हो गया। उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देश में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव में कुछ सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं कि अब कोई पार्टी शाम 7:00 से सुबह 10:00 तक कैंपेन पर पाबंदी रहेगी। पाबंदी समय में रैली या प्रचार नहीं होगी। इसके अलावा अब वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इससे पहले यह समय सीमा 48 घंटे की होती थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है।
तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पश्चिम वर्धमान जिले के चुनावी रण में अंतिम प्रहार करने आ रही हैं। वह 23 अप्रैल को जिले में 4 सभा करेंगी। पहले उनकी सभा 24 को होने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा 72 घंटे पहले ही प्रचार पर रोक लगाने के निर्देश के बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया। तृणमूल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी दुर्गापुर से हेलीकॉप्टर से पहले आसनसोल के सेन रेल स्टेडियम पहुंचेंगी। सेन रेल स्टेडियम में उनकी पहली सभा 11 बजे होगी। आसनसोल उत्तर व बारबनी को लेकर सभा करेंगी। वहां से 12 बजे बर्नपुर बॉयज स्कूल मैदान में आसनसोल दक्षिण के लिए सभा करेंगी। दोपहर 1 बजे श्रीपुर एरिया स्टेडियम में सभा करेंगी। वहीं दोपहर 2 बजे SBSTC डिपो के निकट खुदीराम पार्क में दोपहर 2 बजे उनकी सभा होगी। उसके बाद वह दुर्गापुर के होटल सिटी रेसिडेंसी में ठहरेंगी। नड्डा की सभा से लौट रहा पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 7 घायल। दुर्गापुर से आसनसोल जाने के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर रानीगंज थाना अंतर्गत मंगलपुर में खड़ी एक ट्रक को एक पुलिस वैन ने पीछे से टक्कर मार दी। उस वैन में 7 पुलिस कर्मी थे। चालक सहित सभी घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया है। इनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। इस संदर्भ में एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि एक गाड़ी खराब हो गई थी, इसकी मरम्मत की जा रही थी, अचानक एक वाहन ने इस गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 महामारी ने एक और उम्मीदवार की जान ले ली है। मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के RSP उम्मीदवार प्रदीप नंदी की मौत शुक्रवार शाम को हो गई। कोरोना संक्रमित होने के बाद कुछ दिन पहले वह मुर्शिदाबाद के मातृ सदन अस्पताल में भर्ती थे। एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रेजाउल हक की कोरोना से मौत हो गई थी। प्रदीप की मौत के साथ राज्य में इस महामारी की वजह से मरने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर महज 2 दिनों में 2 हो गई है। यह राज्य में इस महामारी के प्रसार और जानलेवा प्रभाव को दर्शा रहा है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बावजूद चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लगाई है। आयोग की ओर से शुक्रवार देर शाम जो बयान जारी किया गया है, उसमें केवल रात को 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 6 उम्मीदवार कोविड-19 पॉजिटिव थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और 4 लोग इलाजरत हैं। तृणमूल नेता पूर्ण शशि राय को हुआ कोरोना। जामुरिया के वरिष्ठ तृणमूल नेता पूर्ण शशि राय कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल उन्होंने घर पर ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। आसनसोल उत्तर विधानसभा से TMC प्रत्याशी सह कानून मंत्री मलय घटक के समर्थन में अधिवक्ताओं ने चुनावी जुलूस निकाला। इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए तथा मलय के लिए समर्थन मांगा। इसके पहले शुक्रवार को आसनसोल जिला बार एसोसिएशन के सभागार में चुनावी मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई थी। बैठक में शामिल अधिवक्ताओं ने श्री घटक के कार्यों से आसनसोल के लोगों को मिलने वाली कई सुविधाओं के बारे में चर्चा किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि मलय घटक द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को किया है। उक्त मामले पर मलय घटक ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि अगर वे इस चुनावी लड़ाई में विजयी होते हैं तो वे शहर के बाकी बचे कार्यों को भी अवश्य पूरा करेंगे। वहीं शहर के लोगों को भी कई प्रकार की सुविधा देने का वायदा किया। आज का सुविचार, यह एक आदमी की बहुत पूर्णता है अपनी खुद की खामियों का पता लगाने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।